ये शिवागिरी रोड है, ये समाधि जाने वाला रोड। जो देखा रहा है वो मंदिर, वो है श्री नारायण गुरुदेव का समाधि। ये मंदिर का अंदर गुरुदेव को रखा गया है। ये समाधि का साइड वाला रोड है, इसी से सारे आदमी आता है जाता है और गाड़ी भी इधर से आ जाता है। ये वाला रोड पूरा जो मंदिर का साइड में, पूरे साइड से साइड में है, ठीक है। और ऐसा करके रोड गया है। अब मैं उसका, ये है बड़ा वाला गेट अंदर जाने के लिए, जो मंदिर में जाएगा दर्शन करने के लिए उसके लिए। और ये है सीढ़ी। ये मैं ऊपर से अभी नीचे जा रहा हूँ, मैं समाधि से नीचे जा रहा हूँ अभी। ये है सीढ़ी, ये थोड़ा लंबा है, मैं काट के जाएंगे, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा लंबा है इसलिए टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा कट कट के जा रहा हूँ। अब मैं क्या बोलता है, बोधानंद स्वामी जो है मंदिर, ये जो देखा रहा है ये है बोधानंद स्वामी का मंदिर। अब इसका मैं आगे हिस्सा दिखा रहा हूँ, अभी आप लोग ध्यान से देखो, ये आगे हिस्सा है, ठीक है। ये है दरवाजा, उसका अंदर है बोधानंद स्वामी का मंदिर। और ये जो दिखा रहा है लंबा घर है, ये ऑफिस है, ये शिवागिरी का ऑफिस। और ऑफिस का आगे हिस्सा क्या लिखा है दिखा रहा हूँ, हिंदी लिखा है, मलयालम है और इंग्लिश है। आप ध्यान से देखो इसमें लिखा है शिवागिरी मोट लिखा है, ठीक है, नीचे। तो इसीलिए, और वो जो दिखा रहा है ये है वैदिका मठम, जो गुरुदेव श्री नारायण गुरुदेव इसमें सोता था। इसमें इसका अंदर उस गुरुदेव का फोटो है और सोने वाला खटिया है, उसके कुर्सी भी है और एक दो लट्ठी भी है जो गुरुदेव का पहले रखा है। ये देखो, ये साइड में सोने वाला है, दूसरा साइड में एक बैठने वाला कुर्सी है और गुरुदेव का फोटो उसमें है, ठीक है। ये गुरुदेव सोने वाला घर है, इसमें भी आदमी आता है दर्शन करता है। और आप जा रहा हूँ मैं, रिक्शा मंत्र बोलता है, जो गुरुदेव रिक्शा में कहीं घूमने गया किधर गया, इसीलिए गुरुदेव का रिक्शा इधर रखा है। और रिक्शा में गुरुदेव का फोटो है, जो श्री नारायण गुरुदेव है उसका फोटो इसमें रखा है। ये है उसका फोटो और ये रिक्शा है, इसलिए इसमें रखा है ऐसा। उसका पूरा शीशा है, अभी जो घर देखा पूरा शीशा का था। और ये अभी मैं जा रहा हूँ शारदा मठम बोलता है इसको, और इसका अंदर शादी हो रहा है। और शादी हो रहा है कौन से साइड में वो भी मैं दिखाएगा अभी, मैं वो साइड में जाके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पीछे का साइड है, ये अब मैं उसी का साइड से जा रहा हूँ ऐसा करके जाके। और अभी मैं बोलेगा शादी जिधर हो रहा है वो जो देखा रहा है ना, ये अभी ये है इसका अंदर। जो उधर देखो वो जो एक बीवी झाड़ू मारता है ना, उसी का अंदर शादी होता है। वो है वो जो लोहा का खंभा ये देखा रहा है, उसका अंदर शादी हो रहा है। और आदमी लोग इधर पीछे रहता है, जिसको शादी होता है सिर्फ वही अंदर रहेगा उसका अंदर। इसमें भी इसका जो शारदा मैडम बोलता है क्या, ये शारदा देवी है, मतलब जो हम सरस्वती माता बोलते हैं ना वही है। इसमें जो शादी वाला आदमी आएगा इसमें रहता है, और कोई दर्शन करते आता है तो वो भी इसका अंदर भीचे का मुश्किल नहीं है। ये नीचे का हिस्सा है शारदा मठम से नीचे, जो गाड़ी पार्किंग है ना, इसलिए गाड़ी उसमें नीचे रखता है। अब मैं शारदा मठम का साइड से जा रहा हूँ। अब मैं जाएगा एक गुरुदेव का किनार है, कुआ जो बोलता है कुआ, एक कुआ है। और कुआ का वो सीधा अंदर जाने के लिए उसका खाने वाला घर है। ये है कुआ जो श्री नारायण गुरुदेव का टाइम का था बोलता है, इसी में सुना। ये लोग अभी बैठा है, कोई आदमी शादी में आया था, आज शादी था, और कोई की आदमी ऐसे दर्शन करने आया शिवगिरी, इसीलिए ये लोग खा के इधर अभी बैठा है।
और मैं अभी ये जो गुरु पूजा होता है ये अभी टाइम देख रहा, देखो इसके 12:30 बजे गुरु पूजा, मतलब जो फास्ट का पूजा होता है खाने के लिए वो होता है 12:30 बजे। और देखो इसमें कितना आदमी, इसमें ये साइड से आदमी निकलता है खाने का बाद इधर से निकलेगा, और वो साइड में जो आदमी लोग अभी खड़ा है ये लोग खाने के लिए मतलब ट्यूब में लगा है, इसलिए अभी वो आगे से गेट है उधर से जाएगा खाने के लिए, फिर ये साइड से निकलेगा, इसलिए अभी अंदर आदमी होगा खाने के लिए, इसलिए लोग अभी उधर वेट कर रहा था। और ये अभी मैं नीचे आ गया, ये है बाथरूम, वो बाथरूम था। और अभी मैं बुक स्टॉल के तरह जा रहा हूँ, ये जो देखा रहे बड़ा घर ये हो गया काउंटर, मतलब जो कोई गुरु पूजा के लिए रसीद बनाता है इधर मिलता है, इसका अंदर रसीद भी है, और आप लोग जो भी पूजा देता है इधर आता है, शादी का हो जो भी है इधर बोलता है, फिर पूरा उसमें लिख के वही होता है। तो ठीक है, आप में बुक स्टॉल के तरह जाएगा, ठीक है, ये तो टिकट काउंटर हो गया, मतलब इसका रसीद काउंटर हो गया, और मैं ये है बुक स्टॉल। अब मैं बुक स्टॉल का दुकान का अंदर जाके आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ इसका अंदर क्या क्या मिलता है। ये देखो इसका अंदर गुरुदेव का फोटो है, माला है, और क्या सारे कुछ है गुरुदेव का। तो आप लोग को कई शिवगिरी आएगा तो आप लोग बुक स्टॉल में आओ, आप लोग को गुरुदेव का फोटो जो भी चाहिए मिल जाएगा, ठीक है। ये बाहर का नज़ारा है, बुक स्टॉल से बाहर है, मतलब जो गाड़ी पार्किंग है वो पार्किंग है ये साइड में, बाहर साइड में है, और डान साइड में रोड है, ठीक है। नौ गए पीपल का पेड़ भी है, तो पीपल का पेड़ में देखता हूँ मैं, अभी ये साइड में था इसलिए नहीं दिखाया, ठीक है। अब इधर से ये है हमका पार्किंग, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही है, जय हिंद, वंदे मातरम।